जेमिनी, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे जेमिनी साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू Gemini, one more time please, and Shunya, okay? Okay, Gemini, we have six of swords, eight of wands, wheel of fortune. एक नए चैप्टर के लिए रेडी हो जाइए जेमिनी, एक बहुत बड़ा चैप्टर शुरू होने वाला है आपकी लाइफ में। स्टक एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, जहां पर ग्रोथ रुकी हुई थी करियर में, रिलेशनशिप्स में, रिश्तेदारी में, या फिर आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ, आई थिंक ये जो भी चीज़ रुकी हुई थी इस पर एक मूवमेंट आ रही है और एक ब्रांड न्यू चैप्टर आपके जीवन का शुरू होने वाला है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप है, कमिटमेंट है। ओके, ये कमिटमेंट जरूरी नहीं है कि सिर्फ लव रिलेशनशिप तक ही हो, जनरल रीडिंग है, अपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए। रिलेशनशिप डेफिनेटली यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, मैरिज खास करके, लेकिन ये कमिटमेंट क्या हो सकती है कि किसी की जिम्मेदारी उठाना, किसी के लिए एक गार्डियन का काम करना, तो यस, ऐसी कमिटमेंट भी बिजनेस में भी हो सकती हैं, करियर में भी हो सकती हैं और फैमिली में भी हो सकती हैं। ओके, लेकिन एक ब्रांड न्यू चैप्टर है आपके लिए, जिसमें एक किस्म की कंप्लीशन का महसूस कर पाना, कंप्लीशन को महसूस कर पाना कि सुख समृद्धि है मेरे जीवन में, सुख संपत्ति है मेरे जीवन में। जैसे मैं लक्ष्मी माता की एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ यहाँ पर, तो कुछ लोगों के लिए ये हैप्पी मनी, इनहेरिटेंस, अबंडेंस उस लिहाज से भी हो सकती है कि ये ब्लेसिंग आए इस नए चैप्टर में। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है नेक्स्ट चैप्टर में, आप अपने जीवन में प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका जो रोल है, अभी तक जो भी किरदार था आपका, वो अब बदल रहा है। ओके, अब आप माँ या बाबा के रूप में एक किरदार को निभाएंगे, तो ये जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं मेरे जेमिनी की। ट्रैवल बहुत हाईलाइट हो रही है इस वीक में, तो पॉसिबल है कि जो भी आपके ट्रैवल प्लान्स हैं आप वो सक्सेसफुली इस वीक में कंप्लीट कर पाएँ। खास करके मुझे कोई मंदिर विजिट करता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर, ऐसा क्यों है? शायद ये डिवाइन एनर्जी की वजह से ये मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, लेकिन ये यहाँ पर कोई मंदिर विजिट किया जा रहा है, विष्णु जी का भी मंदिर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर गरुड़ की ऊर्जा है। ओके, आप किसी फिक्स्ड साइन के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं इस वीक में, अक्वेरियस, टॉरस, लियो एंड स्कॉर्पियो। ओके, ये फिक्स साइंस होते हैं। आप ऐसे कुछ लोग इस ऐसे पर्सन के साथ भी मिलकर जानना, समझना, ज्ञान प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन के साथ कनेक्ट होके कर सकते हैं। ओके, टेन ऑफ कप से ये भी पॉसिबल है कि आपको अपनी फैमिली के किसी मेंबर के भी कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। कोई फैमिली मेंबर आपका जिनके साथ आप बड़े हुए हैं, आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं और आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई खुशखबरी आपको अपने परिवार वालों की तरफ से रिसीव हो सकती है। ओके, फाइनेंशियली यहाँ पर बहुत सॉलिड सिचुएशन आ रही है, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स के बारे में मैं अक्सर यही एक चीज़ कहती हूँ, ये बड़ा हम्बल होता है। इतना धन दौलत, इतना रिच होने के बावजूद भी ये मेडिटेशन करना नहीं भूलता, ये कृतज्ञ रहता है, ये ग्रेटफुल रहता है, और यही इसका एक्चुअल में सीक्रेट कोड भी है कि ये इतना सक्सेसफुल कैसे बना, थैंक यू बोल बोल के, ग्रेटफुल हो के, जो ब्लेसिंग्स ऑलरेडी जीवन में हैं उनके ऊपर अपना फोकस लेकर जाकर कि हाँ, मैं ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत रिच हूँ, और इससे वो अपनी अबंडेंस को और बढ़ाता है। ओके, इस एटीट्यूड को प्लीज़ फॉलो करना, बहुत अच्छा रहेगा। अपनी डिज़ायर्स में एक बैलेंस रखिए। एक मैसेज यहाँ पर ये भी है, किसी चीज़ की इच्छा होना अच्छी बात, मैं नहीं कहती कोई प्रॉब्लम है उसमें, लेकिन उस इच्छा को कितना हमें बढ़ने देना है। इच्छा का क्या है, बढ़ गई तो हमको ही निगल जाएगी, दिमाग में भी वही चल रहा है, खाते वक्त वही, सोते वक्त वही, उठते बैठते वही चीज़, अगर तो मतलब कि उसने आपको निगल लिया,
अगर ये कोई स्थिति बनी हुई है तो प्लीज़ उससे बाहर निकलिए, आप बहुत रेजिस्टेंस में हैं और उससे क्या होगा, आप अपनी मैनिफेस्टेशन को यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे, ओके? तो वो मत कीजिए यहाँ पर। और एक चीज़ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस वीक में आपके ऊपर यू नो पास्ट और फ्यूचर दोनों ही ऊर्जाओं का थोड़ा सा नेगेटिव असर हो सकता है, तो जितना हो सके प्रेजेंट में रहिए। प्रेजेंट में क्या गुस्ताखी हो रही है इससे समझना है, तो पास्ट से जो जुड़ा हुआ है उसके साथ एक स्पेस क्रिएट कीजिए, और फ्यूचर में जो आपके डिज़ायर्स हैं उसके साथ एक स्पेस क्रिएट कीजिए, और फिर देखिए कि मैं प्रेजेंट में ऐसी कौन सी चीज़ें कर रहा हूँ जिससे मुझे ही हानि मिल रही है, जिससे मेरे शरीर पर खास करके असर पड़ रहा है, खास करके आपके बाजुएं और आपके हाथ हाईलाइट हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से बाजुओं में दर्द रह रहा है, या हाथों में, या उंगलियों में, या फिर स्किन प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, कि जो भी है इसको ठीक कीजिए, ओके? मैं एक चीज़ ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लिए हेल्पिंग हैंड है, और ये हेल्पिंग हैंड भी आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये पर्सन डेफिनेटली लियो सेजिटेरियस एरीज हो सकता है, ओके? ये पर्सन काफ़ी गंभीर, काफ़ी सुलझा हुआ, इसके पास ऐसी नॉलेज है, खास करके सबकॉन्शियस की काफ़ी नॉलेज रखता है ये पर्सन। और इस वीक में भी इस पर्सन के साथ जितना आप कनेक्टेड रहेंगे उतना ही आपको ऐसा लगेगा कि जीवन आगे बढ़ रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यू नो। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, जेमिनी, आपकी एक वीकनेस यहाँ पर हाईलाइट हो रही है, और वो वीकनेस है आपकी कि जीवन में आप आगे तो बढ़ पाते हो लेकिन बैगेज साथ लेके चलते हो, भार साथ लेके चलते हो, लेट गो कर पाते हो लेकिन कंप्लीटली नहीं कर पाते हो, और आपकी ये वीकनेस हाईलाइट हो रही है। 100% यू नो, जिसे कहते हैं कि कॉर्ड कटिंग करके आगे बढ़ना सीखिए, ओके? और उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, सिंप्लीफाई कीजिए अपनी लाइफ को, सिंपल रखिए, सिंपल चॉइसेस, सिंपल डिजायर्स, जो चीज़ें घटित भी हुई हैं आपके साथ उनके लेसन्स को सिंपल रखिए। इस पर्सन के साथ आप क्यों कनेक्ट हुए उसके जवाब को, उसके आंसर को सिंपल रखिए, ताकि चीज़ों का ज़्यादा मनगढ़ंत बातें ना चलें और आप उसको बैगेज के साथ आगे लेकर ना चलें, ओके? तो सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करना आपका यहाँ पर मेजर सल्यूशन है, ओके? एक चीज़ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग के रूप में एक कह लीजिए कि एक नया चैप्टर इस वजह से भी आ रहा है क्योंकि ये डिवाइन एक किस्म का आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। कोई ना कोई ये गुड कर्मा की निशानी हो सकती है, शायद आपने अतीत में किसी की मदद की थी, उसका प्रताप हो सकता है, या फिर आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ था जहाँ पर आपने वो सब्र का घूंट पिया, आपने ईश्वर को कहा कि आपने जो किया सही किया, यू नो। और उसके उससे भी कभी कभी हम एक रिश्ता जोड़ते हैं डिवाइन पावर्स के साथ, जहाँ पर हमसे कुछ छीना गया है लेकिन फिर भी हम शांत हैं, फिर भी हम यहाँ पर शुक्रिया ही कह रहे हैं कि हे प्रभु तेरा शुक्रिया। उससे भी कुछ गुड कर्मा हो सकता है कि लौट के आए, तो वो वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कृपा सी है आपके ऊपर, ओके? कृपा है आपके ऊपर, और उसकी वजह से एक नई जर्नी आपको आपकी शुरू हो रही है जेमिनी। सेवन ऑफ सोर्ड्स से करप्शन से बचिए, बुरे थॉट्स से बचिए, गॉसिप से बचिए, चलाकी चुस्त बनना, मैं चलाक बहुत हूँ, मैंने उसको धोखा दे दिया, मैंने उसको बेवकूफ़ बना दिया, चाहे मजाक में ही हम ये करते हैं बातें कभी कभी, बचिए इससे, ओके? किसी की इंटेलिजेंस को यहाँ पर शक में नहीं लेकर जाना, जज नहीं करना, ये वही उदाहरण है बेसिकली कि किसी किताब को उसके कवर से कभी जज नहीं करना चाहिए, राइट? तो किसी पर्सन को उसकी बाहरी दिखावट से, कि वो शायद सिंपल है तो ये भोंदू होगा, ये सीधा होगा, क्या पता वही ज्ञान का पूरा समंदर लेके बैठा है, तो प्लीज़ आपसे कहा जा रहा है कि किसी को जज मत कीजिए, खास करके अपनी तरफ से इस मैं में मत जाइए कि मैंने किसी को बेवकूफ़ बना दिया, मैं बड़ा स्मार्ट हूँ। किसी को बेवकूफ बना के हम स्मार्ट नहीं बनते, ओके? यस, ये कुछ मैसेजेस। नाउ लेट्स सी आपके ओरेकल कार्ड्स यहां पर क्या कहते हैं। थैंक यू जेमिनी, थैंक यू। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी जेमिनी। One more time, please. And Shania.
बीबर स्पिरिट ले अ सॉलिड फाउंडेशन. यस, आपको एक नई फाउंडेशन, एक अच्छी सॉलिड फाउंडेशन आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं. तो नए चैप्टर की शुरुआत में हम अच्छा वर्जन लेके चलेंगे ना, ऐसा नहीं कि ढीले ढाले होकर ऐसे कमज़ोर से पढ़ के आगे बढ़ेंगे ना. एक सॉलिड फाउंडेशन, फूड आपका आपका जो कंजम्पशन है उस पर ध्यान दीजिए. यू नो, आपकी बॉडी कितनी एक्टिव है उस पर ध्यान दीजिए. आप कितनी नींद ले रहे हैं, मुझे आपकी नींद में एक इम्बैलेंस दिख रहा है. आप सोते हैं तो फिर 10 घंटे ही सो जाएंगे, नहीं सोते हैं तो फिर पूरा दिन ही चाहे पूरी रात ही चाहे ना सोए. तो कुछ ना कुछ जो ये प्रॉब्लम्स है ना उसको यहाँ पर ठीक करना है. ओके, एम्ब्रेस द इन बिटवीन फ्लैमिंगो स्पिरिट, इन बिटवीन एनर्जी, यू नो, मिडल की एनर्जी बेसिकली. तो यस, यहाँ पर इसे एम्ब्रेस करने को कहा जा रहा है. फॉर सम रीज़न मुझे यहाँ पर डिफरेंसेस ये शब्द चैनल हो रहा है. आई थिंक अगर आप किसी पर्सन के साथ किसी डिफरेंस रखते हैं कि आपका मत कुछ और है, उसका मत कुछ और है, इट्स ओके. ड्यूअलिटी के साथ कंफर्टेबल होना सीखिए. ड्यूअलिटी में यही है, किसी का कोई और ओपिनियन होगा, किसी का कोई और ओपिनियन होगा, किसी का कोई और पाथ है, आपका कोई और पाथ है. एम्ब्रेस इट. ड्यूअलिटी को यहाँ पर बेसिकली एम्ब्रेस करने को कह रहे हैं वो आपको. मॉथ स्पिरिट सरेंडर नाउ. सरेंडर, सरेंडर, सरेंडर. कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है जेमिनी, और जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उन्हें सरेंडर कर दीजिए. ओके, यहां पर ये दो, इसके अगर आप बॉटम में देखेंगे ये मिररिंग एनर्जी है, सेम ऊर्जा है इसकी जैसे टू ऑफ कप्स में मिररिंग एनर्जी होती है ना. तो ये पॉसिबल है कि ये कोई रिलेशनशिप के बारे में हो और आपको आपको कहा जा रहा है सरेंडर. ये मिररिंग एनर्जी को यहां पर सरेंडर कीजिए. बटरफ्लाई स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटिफुल. तो आप एक ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, उसकी ब्यूटी पर ध्यान दीजिए, बल्कि इस कष्ट पे नहीं कि ओ माय गॉश ये अब क्या है, ये नया प्रोसेस क्या है, ये नई बिगनिंग क्या है, ये नया चैप्टर क्या है. जब भी किसी नई चीज की शुरुआत होनी होती है हम पुराने साइकिल्स में कुछ चीज़ों को अलविदा कहते हैं, और अलविदा कहना हम सभी को पता है कि इजी नहीं होता. बट अगेन ट्रांसफॉर्मेशन की ब्यूटीफुल साइड पर ध्यान दीजिए. ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं मेरे जेमिनी के लिए. थैंक यू. अभी तो मैंने शुरू भी नहीं की शफलिंग. Gemini, one more time please, and Shunya, okay. Wow, ये क्या है? ये इतनी let's see, we have humanity first, दान पुण्य करना, सेवा भाव में रहना. ओके, वननेस की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना आपके क्राउन चक्रा के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा. ये नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ, कम ऑन. सी, वही चीज जो यहाँ पर टैरो कार्ड्स में भी आई है. डेकोरेट योरसेल्फ, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, अपना बेटर वर्जन लेके हमें आगे बढ़ना है. बेसिकली यही मैसेज मैंने आपको पहले भी दिया है. काइंड फ्रेंड्स, कुछ लोगों के जीवन में काइंड फ्रेंड्स की एंट्री हो रही है. हैंडमेड गिफ्ट्स, तो आप में से कुछ लोगों को किसी से कोई हैंडमेड तोहफा मिल सकता है, या फिर आप जिस भी पर्सन को भविष्य में कोई तोहफा देना चाहें कि हाँ मैं इस पर्सन को कुछ देना चाहता हूँ, उसको जो भी तोहफा देना है हैंडमेड, यू नो, आपके हाथों से बना हुआ, उसको आप इस वीक में बनाइए. इस प्रोजेक्ट को, इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं कि कोई एक ऐसा हैंडमेड तोहफा तैयार कीजिए जो आप इस पर्सन को फ्यूचर में देना चाहेंगे. ओके, इस नेक्स्ट फेज में टैरो कोर्स, तो कुछ लोगों को टैरो कोर्स ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है. आप रेडी हैं? ओके, ये विद्या भी आपकी काफ़ी इस नेक्स्ट फेज में मदद करेगी. एंड वी हैव एमेथिस्ट ब्रेसलेट, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में है. ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाएगी, और बहुत सारे आंसर्स खुद ही में ढूंढ पाना, ऐसा इतने सक्षम बन पाओगे आप. बेसिकली ये वो ऊर्जा है यहाँ पर. ओके,
सो यस, ये आपकी रीडिंग है जेमिनी। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrinicreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।